इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी के बारे में. एलिमेंट्स का मतलब है पार्ट्स या हिस्से, यानी वो चीजें कि जिनसे मिलकर एक स्टोरी या कहानी बनती है. तो सबसे पहला एलिमेंट है कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स इसका क्या मतलब होता है? इट मींस पीपल एंड एनिमल्स इन द स्टोरी. इसका मतलब होता है लोग और जानवर जो कि कहानी में होते हैं, तो वो मिलकर बनाते हैं उसके कैरेक्टर्स, यानी वो कैरेक्टर्स कहलाए जाते हैं. मिसाल के तौर पर शेर और चूहे की कहानी में एक कैरेक्टर है शेर या लायन और दूसरा कैरेक्टर है माउस यानी चूहा. तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो उस कहानी का हिस्सा हैं और ये कैरेक्टर्स कहलाए जाते हैं. इसी तरह से कोई सी भी दूसरी कहानी हो सकती है, जैसे कि प्यासे कव्वे की कहानी, उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है और वो है क्रो यानी कव्वा. अब देखते हैं अगला एलिमेंट या पार्ट एक कहानी का क्या होता है. वो कहलाया जाता है सेटिंग. सेटिंग इसका क्या मतलब होता है? इट इज द प्लेस यानी ये होती है जगह एंड द टाइम या वक्त और वक्त वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस यानी जिस जगह वो कहानी पेश आती है. मिसाल के तौर पर शेर और चूहे की कहानी में जगह जो है जहाँ ये कहानी पेश आती है वो है एक जंगल. और इस कहानी में दो मुख्तलिफ वाक़ियात हैं, यानी पहला वो कि जब चूहा जो है वो शेर के ऊपर चढ़ दौड़ता है यानी उसके ऊपर से गुजरता है तो शेर जाग जाता है, ये भी सुबह का टाइम होता है यानी मॉर्निंग. और इसी तरह से कहानी में आगे चलकर फिर एक दिन जब शेर जो है वो शिकारी के जाल में फंस जाता है तो वो वक्त भी जो है वो मॉर्निंग या सुबह का ही वक्त है. तो इस तरह से प्लेस है जंगल और टाइम है मॉर्निंग यानी सुबह का वक्त. तो ये दोनों बातें जो हैं ये मिलकर बनाती हैं कहानी की सेटिंग, यानी इससे कहानी की सेटिंग का पता चलता है. या फिर अगर इस तरह से कहें कि कहानी की सेटिंग क्या है तो वो है एक जंगल यानी यहाँ ये कहानी पेश आई और वक्त है मॉर्निंग यानी सुबह का वक्त. अब देखते हैं अगला एलिमेंट, ये कहलाया जाता है बिगिनिंग. बिगिनिंग इससे क्या मुराद है? यानी कहानी का शुरू का हिस्सा और इसमें क्या कुछ होता है. इट टेल्स अबाउट कैरेक्टर्स टाइम एंड प्लेस. यानी कहानी का जो बिगिनिंग होता है, जो शुरू का हिस्सा होता है, उसमें बताया जाता है कैरेक्टर्स के बारे में. जैसे कि शेर और चूहे की कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो है एक लायन और एक माउस. और टाइम के बारे में यानी जैसे कि उस कहानी में टाइम जो था वो मॉर्निंग या सुबह का वक्त था. और प्लेस के बारे में जैसे कि वो जगह जो थी वो था एक जंगल. जैसे कि कहानी के शुरू में ये बताया जाता है कि एक जंगल में सुबह के वक्त एक शेर जो है वो सो रहा था और फिर एक चूहा वहाँ से गुजरा. तो ये जो है ये हिस्सा है कहानी का बिगिनिंग या शुरू का हिस्सा. तो इस तरह से बिगिनिंग या शुरू के हिस्से में जंगल, मॉर्निंग, लायन और माउस के मुतालिक बताया गया, यानी कैरेक्टर्स, टाइम और प्लेस का के मुतालिक पता चला. तो ये बन गई बिगिनिंग कहानी की. अब अगला एलिमेंट या पार्ट देखते हैं स्टोरी का क्या होता है, जिससे मिलकर स्टोरी बनती है. वो कहलाया जाता है मिडिल, यानी कहानी का दरमियान का हिस्सा. इसमें क्या पता चलता है? इट शोज ऑल एक्शंस इन द स्टोरी. यानी ये हिस्सा जो है वो कहानी में जितने भी वाक़यात हो रहे होते हैं, जो भी बातें हो रही होती हैं, उसके मुतालिक बताता है. यानी इसको पढ़कर पता चलता है कि कहानी में क्या क्या कुछ हुआ. मिसाल के तौर पर जिस तरह से शेर और चूहे की कहानी में जब चूहा शेर के ऊपर से चढ़ दौड़ा यानी उसके ऊपर चढ़कर भागा, तो शेर जो है उसकी आंख खुल गई, उसने वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने चूहे को पकड़ लिया और चूहा जो है वो बहुत डर गया और उसने शेर से मिन्नत की कि वो उसको छोड़ दे. तो बिलाखिर शेर को तरस आ गया और उसने उसे छोड़ दिया. लेकिन साथ ही चूहे ने ये वादा भी किया कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो एक ना एक दिन उसकी मदद करेगा. और इस बात पर शेर जो है वो
काफ़ी हंसा क्योंकि उसको इस बात का यकीन नहीं था कि एक छोटा सा चूहा जो है वो कैसे शेर की मदद कर सकता है। तो ये जो बातें हैं सारी मुख्तलिफ वाक़यात वगैरह, ये कहानी के मिडिल में आ जाएंगे या उसका मिडिल का जो हिस्सा है वो इन वाक़यात के मुतालिक होगा जो कि कहानी के दरमियान में पेश आते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो कहानी के दौरान पेश आते हैं। इसी हिस्से में आगे चलकर इसी कहानी को अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि किस तरह से शेर फिर एक दिन एक शिकारी के जाल में फंस जाता है और वो जोर से गुर्राता है और चूहा जो है उसकी आवाज़ सुन लेता है और फिर चूहा आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है क्योंकि शेर जो है जाल से निकल नहीं सकता। वो कोशिश तो करता है लेकिन वो जाल से निकल नहीं पा रहा होता। तो इस तरह से जो कहानी का मिडिल का हिस्सा है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम भी सामने आता है, यानी मुख्तलिफ एक्शंस या वाकयात तो बताए जाते ही हैं लेकिन इसके अलावा कोई ना कोई प्रॉब्लम या मुश्किल जो है उसके मुतालिक भी इशारा दिया जाता है या बताया जाता है। और फिर आखिर में जो एलिमेंट है स्टोरी का या जो हिस्सा है जिसे मिलकर स्टोरी मुकम्मल होती है वो है एंडिंग, यानी स्टोरी का आखिर का हिस्सा। और एंडिंग से क्या पता चलता है? इट टेल्स अबाउट हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम या मुश्किल जो है वो किस तरह हल हो गई, उसे किस तरह से हल किया गया। मिसाल के तौर पर शेर और चूहे की कहानी में चूहा जो है वो अपने जो उसने वादा किया होता है उसे पूरा करता है, शेर की मदद करता है और अपने तेज दांतों की मदद से जाल को काट डालता है और शेर आजाद हो जाता है। तो ये हो गई इस कहानी की एंडिंग। तो इस तरह से ये मिलकर बनते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, यानी एक स्टोरी के मुख्तलिफ हिस्से जो मिलकर एक कहानी को मुकम्मल करते हैं, उसे पूरा करते हैं। ये हैं, एक मरतबा दोहरा लेते हैं, कैरेक्टर्स यानी वो लोग या जानवर जो कहानी में होते हैं, फिर सेटिंग यानी जगह या वक्त जहाँ वो कहानी के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते हैं, और फिर इसके बाद बिगिनिंग यानी कहानी का शुरू का हिस्सा जिसमें कैरेक्टर्स या लोगों या जानवरों के मुताबिक बताया जाता है जो उस कहानी का हिस्सा होते हैं, और वक्त भी बताया जाता है और जगह भी जहाँ वो कहानी पेश आती है। और मिडिल में क्या होता है? मुख्तलिफ किस्म के जो वाक़यात उस कहानी में पेश आते हैं उन्हें कहानी के दरमियान के हिस्से में बताया जाता है, और आखिर में एंडिंग जो होती है उसमें क्या बताया जाता है कि किस तरह से कोई प्रॉब्लम या मुश्किल जो है उसे हल किया जाता है या वो किस तरह से हल हुई। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी या पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।